लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मध्य प्रदेश में रेलवे निजीकरण के विरोध के तहत तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस शुक्रवार को इंदौर से रवाना हुई। सुबह 10:55 पर इंदौर से उज्जैन होते हुए वाराणसी के लिए रवाना हुई इस ट्रेन का रेलवे कर्मचारियों ने विरोध किया। विरोध का कारण रेलवे का निजीकरण किया जाना है। शुक्रवार को ट्रेन के रवाना होने से पहले रेलवे कर्मचारियों ने हाथ में लाल झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने निजीकरण बंद करो, प्रधानमंत्री शर्म करो, प्रधानमंत्री होश में आओ, रेल मंत्री शर्म करो, रेल को बेचना बंद करो, हिटलर शाही नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी आदि नारे लगाए गए। विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि ट्रेनों का निजीकरण होने से बेरोजगारी बढ़ेगी, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। बहरहाल इंदौर से रवाना हुई 12 कोच की यह निजी ट्रेन उज्जैन, बैरागढ़, बिना, झांसी, कानपुर, सुल्तानपुर होते हुए शनिवार सुबह 6 वाराणसी पहुंचेगी। ट्रेन में 3 AC के 9 कोच है, पेंट्री कार और 2 पावर जनरेटर वैन भी है। IRCTC ने जो बुकिंग शुरू की है उसमें फिलहाल सामान्य किराया ₹2,016 है। 20 दिनों की एडवांस बुकिंग IRCTC की वेबसाइट IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के माध्यम से बुकिंग की जा सकेगी। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। हमारा विरोध इसलिए है सर कि इस देश के अंदर जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो सारे संस्थान, जिसमें रेलवे भी है, BSNL और दूसरे भी संस्थान हैं, वो सारे इस देश के नागरिकों द्वारा जो टैक्स पे किया गया है उस पैसे से बनाया गया है। और उस पैसे से ये रेल की पटरी बनी है, गिट्टी बनी है, इसके अंदर रेल कर्मचारी काम कर रहे हैं, सारे स्ट्रक्चर देश के लोगों का जो पैसा है उसका बना हुआ है। और उस पूरे संसाधन को इस देश की सरकार निजी हाथों में देना चाहती है, निजी हाथों में सौंपना चाहती है। और इसका जो मेहनत करी हमने, देश का पैसा लगा उसके अंदर, और उस पैसे का मजा निजी लोग, निजी ऑपरेटर लेना चाहते हैं, इसका हमारा विरोध है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।